ज्यादातर लोग उसी के बारे में सोचते हैं जो वो नहीं चाहते, और उन्हें हैरानी होती है कि उनके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। आकर्षण का सिद्धांत ये परवाह नहीं करता कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, या आप उसे चाहते हैं या नहीं, वो आपके विचारों का जवाब दे रहा है। तो अगर आप बैठकर अपने कर्ज के बोझ को देख रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, तो वही संकेत आप बाहरी दुनिया को दे रहे हैं। ये कर्ज का बोझ तो मेरी जान लेकर रहेगा। आप इस बात को मंजूर कर रहे हैं, अपने वजूद के हर स्तर पर इसे महसूस कर रहे हैं, तो आपके साथ वही ज्यादा होने वाला है। आकर्षण का सिद्धांत बड़ा वफादार है। जब आप कोई चीज चाहते हैं और उस पर अपने पूरे इरादे के साथ ध्यान लगाते हैं, तो आकर्षण का सिद्धांत आपको वो जरूर देगा, हमेशा। जब आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते, जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, तो असल में आप उसे अस्तित्व में ला रहे होते हैं। आकर्षण का सिद्धांत ये नहीं सुनता कि आप ये नहीं चाहते, और इसलिए ये बार 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 आपके सामने आता रहेगा। आकर्षण के सिद्धांत का झुकाव आपके चाहने या ना चाहने पर नहीं होता, ये उन चीजों को वजूद में लाता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर विश्वास करें, समझें या नहीं, ये हमेशा काम करता है। आप जितना सोचेंगे ये उतना काम करेगा। मन में विचार चल रहा है तो आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है, चाहे आप अतीत के बारे में सोचें, वर्तमान या फिर भविष्य के बारे में। ये सिद्धांत काम करता है, ये हमेशा चलता ही रहता है। ना तो आप पॉज दबाते हैं और ना ही स्टॉप, ठीक आपके विचारों की तरह ये भी चलता ही रहता है। सृजन होता ही रहता है। जब भी एक इंसान को सोचता है या कई दिनों तक एक ही बात को सोचता रहता है, तब वो सृजन की अवस्था में होता है और उन विचारों से कुछ न कुछ जरूर बनेगा। आकर्षण के सिद्धांत से आपको वो सब मिलेगा जिसके बारे में आप सोचते हैं। यानी अगर आप शिकायत करते हैं कि ये कितना खराब है, तो आप और भी खराब हालात पैदा कर रहे हैं। ये क्या है? मैं ये नहीं खा सकता।